चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। मुद्दा ये है कि जो एथलीट्स है उसमें जेंडर टेस्टिंग फिर से लागू कर दी गई है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जेंडर टेस्टिंग होती क्या है, इसका इतिहास क्या है और इससे जो एथलीट्स हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हुआ क्या है। हुआ कुछ यूं है कि जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है ऑफ एथलीट्स फेडरेशन, उसके जो अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोए, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो वर्ल्ड एथलीट्स है उसमें जो फीमेल कैटेगरी है, यानी कि महिलाओं की जो कैटेगरी है, उसमें जो ट्रांसजेंडर पहले खेला करते थे अब उन पर बैन लगा दिया गया है। यानी कि अब ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो वर्ल्ड एथलीट्स में फीमेल कैटेगरी में नहीं खेल सकते हैं। इससे पहले कि हम जाने कि आखिर ये जेंडर टेस्टिंग है क्या, सबसे पहले हम इसका इतिहास देखेंगे कि आखिर जेंडर टेस्टिंग का इतिहास क्या है। अगर हम बात करें तो 1950 में जो जेंडर टेस्टिंग है उसका इजाद किया गया था। सबसे पहले 1950 में ही इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन ने जेंडर टेस्ट को लागू किया था। उस समय दरअसल आरोप ये लगा था कि कुछ एथलीट्स जो कि मेल हैं, यानी कि आदमी हैं, पुरुष हैं, वो औरतों के कपड़े पहनकर उन्हीं की कैटेगरी में कम्पीट किया करते थे। अपने शारीरिक ढांचे की वजह से उन्हें ये फ़ायदा मिलता था कि वो बस कपड़े बदल के महिलाओं के कपड़े पहनकर इस कैटेगरी में आराम से कम्पीट कर सके। फिर उसके बाद कुछ ये हुआ कि 1968 में फिर से शिकायतें आने लगीं कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं अभी भी वर्ल्ड एथलीट्स में जारी हैं। तो उस समय फिर से जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने ये आदेश दिया कि अब ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले जितने भी फीमेल एथलीट्स हैं, यहाँ हमें ध्यान देना है कि देखिए जेंडर टेस्टिंग की बात यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स कैटेगरी में की जा रही है। यहाँ पर अगर किसी की जेंडर टेस्टिंग होगी तो सिर्फ औरतों की होगी, क्योंकि हमें औरतों में से ही ये छांटना है कि कौन से पुरुष हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं। तो 1968 में जो ओलंपिक्स कमेटी थी उसने जेंडर जो वेरिफिकेशन है उसको आधिकारिक रूप से लागू कर दिया। लेकिन उस समय अगर हम देखें तो जेंडर टेस्टिंग में सिर्फ फिजिकल टेस्ट होता था, यानी कि सिर्फ शारीरिक ढांचे की जांच होती थी। उस समय हॉर्मोन्स और क्रोमोसोम्स जैसी चीज़ों की जांच नहीं होती थी। लेकिन अब जो है वो हॉर्मोन्स और क्रोमोसोम्स दोनों ही चीज़ों की जांच जो है वो ज़रूरी कर दी गई है। यानी कि अब जो फिजिकल टेस्ट किया जाएगा वो सिर्फ फिजिकल के साथ साथ उनका बायोलॉजिकल टेस्ट भी देना ज़रूरी है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ उदाहरण दिखाना चाहूँगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो हॉर्मोन्स का टेस्ट है वो ज़रूरी कर दिया गया। और साथ ही साथ ये भी देखिए कि जो एथलीट्स हैं उन पे इस जेंडर टेस्ट का क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो हॉर्मोन का टेस्ट है वो जो है अनिवार्य कर दिया गया। हुआ कुछ यूँ कि महिलाओं के अंदर जो हॉर्मोन्स का लेवल होता है, अब कौन से हॉर्मोन का, देखिए एक एंड्रोजन नाम का सामूहिक हॉर्मोन होता है, उस समूह में एक हॉर्मोन और आता है जिसका नाम है टेस्टोस्ट्रॉन। अब ये टेस्टोस्ट्रॉन का जो महिलाओं में लेवल होता है वो पुरुषों की मात्रा में कम होता है। तो अब इस कारण से हम ये पक्के तरीके से साबित कर सकें कि ये महिला है और ये पुरुष हैं, उनमें हम ये अंतर देख सकें, इस कारण से इस हॉर्मोन का टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाना चाहूँगी कि इसका क्या प्रभाव पड़ा जो हमारे एथलीट हैं उनके जीवन में। देखिए, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ प्रतिमा गांवकर का नाम दिख रहा है। ये एक तैराक थी और भारतीय एथलीट थी। इन्होंने भी जेंडर टेस्टिंग का सामना किया और हुआ कुछ यूँ कि इनकी जो जेंडर टेस्ट की रिपोर्ट थी उसे पब्लिक कर दिया गया। अब उसकी पब्लिक होने के बाद 2001 में इन्होंने गोवा में आत्महत्या कर ली। वहीं अगर हम दूसरा नाम देखें, शांति सुंदर राजन, इन्होंने 2006 में
भारतीय एथलीट के जेंडर टेस्ट के विवाद में फंसी थी। अब इस विवाद का कारण ये हुआ कि वो खेल छोड़कर अपने गांव चली गई और साथ ही साथ वो डिप्रेशन का भी शिकार हो गई और उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। ऐसे ही कई सारे और आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद हैं, जैसे कि दूती चंद 2014 में ये जेंडर टेस्ट में फेल हो गई और इसी के कारण इन्हें काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। कुछ बाहर के भी एथलीट हैं, जैसे कि ईवा जेनिना और साथ ही मारिया जोस। अब हम देखेंगे कि आखिर ये जेंडर टेस्टिंग होती क्या है। दरअसल ये टेस्ट एक फीमेल एथलीट के जेंडर को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। क्यों सिर्फ फीमेल एथलीट के? क्योंकि अभी मैंने इसके पहले आपको बताया कि पुरुष की कैटेगरी तो पहले से ही निर्धारित है, दिक्कत होती है महिलाओं की कैटेगरी में। वहाँ जो बॉडी में आपके हार्मोन्स हैं उनकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो महिलाएं हैं उनमें जो पुरुष के फीचर हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए, ये टेस्ट अक्सर फीमेल एथलीट्स के लिए किया जाता है। इस टेस्ट की शुरुआत में जो महिलाएं हैं उनको सबसे पहले तो अपने शारीरिक ढांचे का जांच करानी पड़ती है। अगर हम बात करें तो ये जो हार्मोन है जिसका नाम है एंड्रोजन, इसके तहत आने वाला जो दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, इसके कारण जो है पुरुषों के अंदर, अगर हम बात करें इस हार्मोन की, तो पुरुषों के अंदर जो पुरुष के फीचर्स आते हैं, यानी कि चेहरे पर बाल या फिर जो भी उनकी आवाज़ भारी होती है, ये सब इसी हार्मोन के कारण होता है। तो इसलिए जो हमारी कमेटी है उसने ये सोचा कि अगर हम इस हार्मोन का टेस्ट कराएंगे तो हम ज़्यादा बारीकी से ये पता लगा पाएंगे कि महिलाओं की कैटेगरी में कौन ऐसा है जो ट्रांसजेंडर है और उसके अंदर पुरुषों वाले जो तत्व हैं वो ज़्यादा हैं। अगर हम टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये महिलाओं के अंदर कम, पुरुषों के अंदर ज़्यादा होता है। अब इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम महिलाओं का ब्लड टेस्ट भी करते हैं और साथ ही साथ उनको एक गायनोकोलॉजिस्ट से टेस्ट कराना पड़ता है, जो कि काफ़ी असहज कराने वाले टेस्ट होते हैं, क्योंकि सिर्फ शारीरिक ढांचा ही नहीं, आपकी जो एक प्राइवेसी है वो भी समाप्त होती है इस टेस्ट के कारण। इस कारण से ही जो जेंडर टेस्ट है उस पे काफ़ी सवाल भी उठे हैं। तो अगर हम बात करें इस टेस्ट की, तो इस टेस्ट का मकसद ये देखना होता है कि कहीं महिलाओं के शरीर में कोई सेकेंडरी सेक्स यानी कि सेकेंडरी हॉर्मोन्स के फीचर तो उत्पन्न नहीं हो गए हैं। देखिए, हमारा जो शरीर है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जो हॉर्मोन्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि किसी महिला के अंदर या किसी पुरुष के अंदर एक ही अमाउंट में प्रेजेंट हो। कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं के अंदर भी ये जो हार्मोन है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। अगर महिलाओं के शरीर में पुरुषों वाले हार्मोन्स ज़्यादा हो गए हैं तो इस कारण से जो उनकी काम करने की क्षमता है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आम महिलाओं से ज़्यादा हो जाती हैं। अगर हम बात करें कि कोई ऐसी महिला है जिसके अंदर जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो ज़्यादा पाया गया है, तो उस महिला को हम कहेंगे इंटरसेक्स। देखिए, अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वजहें हैं जिसके कारण जो महिलाओं के अंदर हार्मोन है वो बढ़ जाता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें PCOS है। अगर किसी महिला के अंदर PCOS यानी कि हार्मोनल डिसऑर्डर है या फिर अनुवांशिक डिसऑर्डर है या फिर कोई ऐसी महिला है जिसके शरीर पर या फिर चेहरे पर अनचाहे बाल आने लगें, तो उसे भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस के रूप में देखेंगे। तो अगर किसी महिला के अंदर ये सारी जो हैं डिसेबिलिटीज पाई जाती हैं, तो ये कहा जाता है या फिर ये माना है कि उसमें जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो ज़्यादा होता है। तो इस कारण से कभी कभी महिलाओं में जो पुरुष तत्व है वो आ जाता है। अब देखिए, इस हार्मोन से क्या असर होता है, जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर दो पक्ष के विचार हैं।
पहला ये कहता है कि देखिए, अगर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का लेवल महिलाओं के अंदर बढ़ता है तो उनकी शारीरिक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं, अगर किसी भी तरह का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल महिला के अंदर बढ़ा है तो उसका असर उसकी शारीरिक क्षमता पर पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों है? देखिए, होता क्या है कि कभी कभी जो एथलीट होते हैं वो सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन भी लेते हैं अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन लेते हैं तो उस स्थिति में जो हमारी शरीर की क्षमता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि हम एक सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं जो कि एक दवा की तरह काम करता है। लेकिन जो हमारे कुछ एक पक्ष हैं उनका मानना है कि अगर नेचुरली बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है, जैसा कि मैंने अभी आपको कई कारण बताए कि किन किन वजहों से महिलाओं के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ सकता है, तो अगर उन कारणों से कोई नेचुरली टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है तो उस पर क्षमता का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये दो पक्ष हैं। अगर हम बात करें कि IAAF क्या कहता है, यानी कि हमारा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन क्या कहता है, देखिए इनका मानना है कि किसी भी तरह का जो स्वाभाविक यानी नेचुरल रूप से बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन लेवल वो भी सिंथेटिक की तरह ही काम करता है, ठीक है। जब ये सवाल जब IAAF से पूछा गया तो उसने भी दूसरे पक्ष के साथ जाना उचित समझा। उसने भी यही कहा कि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो चाहे सिंथेटिक बढ़े चाहे नेचुरली बढ़े, उसका असर जो है शारीरिक क्षमता पर होता ही है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी ऐसा कोई भी शोध नहीं हुआ। अभी इसके पहले मैंने आपको एक उदाहरण दिखाया था दुति चंद का। अगर हम दुति चंद केस की बात करें तो दुति चंद केस में जो हमारी IAAF है उसने कोर्ट में ये माना कि ऐसी कोई रिसर्च नहीं जो इस बात को साबित करती हो कि महिलाओं के अंदर अगर नेचुरली टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जा रहा है तो उससे उनकी शारीरिक क्षमता पर कोई असर पड़ेगा, या फिर अगर उनके शरीर के अंदर कोई भी टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ रहा है तो उससे ऐसा नहीं है कि अचानक से उनकी जो परफॉर्मेंस है या फिर जो वो खेल खेल रही हैं उसमें जो उनका प्रदर्शन है उसमें वो सुधार दे। तो ये थे हमारी जेंडर टेस्टिंग को लेकर अभी तक की सारी विस्तार से सूचनाएं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और आपके काफ़ी उपयोग में आई होगी। इस वीडियो में बात गौर करने वाली है कि क्या जेंडर टेस्ट सही है, क्या जो इस जेंडर टेस्ट के कारण जो हमारे एथलीट्स पे उनके जीवन पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसको हम किस तरीके से टैकल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।